हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत दिन से हमारी जो क्लासेस हैं ALP टेक्नीशियन प्लस JEE CVT 1 के लिए, वो बहुत दिन से रुकी हुई थी। तो फाइनली वो मंडे इवनिंग से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। यूट्यूब पे आप लोगों को टारगेट क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इसमें आप लोग 4 महीने के अंदर बड़ी ही आसानी से, 3 से 4 महीने के अंदर आप पूरा सिलेबस निपटा लेंगे। और 0 to 0 तक ये बैच है। किस तरह से इस बैच की रणनीति रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब से मोदी जी ने कहा है कि 1 साल के अंदर हम 1,00,000 वैकेंसीज मिशन मोड में भरने वाले हैं, तब से आप लोग देख रहे होंगे, चाहे वो SSC हो चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स हो, वो लगातार अपनी वैकेंसीज निकाल रहे हैं। और उसमें देखने को ये मिल रहा है कि वो लगभग 1.5 से 2 महीने 3 महीने के अंदर पेपर करा ले रहे हैं। तो अगर हम मान के चलें कि रेलवे अपने नोटिफिकेशन के बाद 3 से 4 महीने भी देगा, तब भी वो आपके पास इनफ टाइम नहीं होगा कि भाई आप, क्योंकि ऐसा है ना, प्री के लिए तो आप लोगों के टाइम होगा इनफ, लेकिन फिर मेंस की भी तैयारी करनी रहेगी। इसलिए आप अगर प्री की तैयारी के साथ साथ अभी अगर फाउंडेशन तैयार कर लेंगे तो आपको मेंस में भी दिक्कत नहीं आएगी और प्री में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइज, हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों के साथ चीज़ें लेके चलने वाले हैं। इस स्लाइड में काफ़ी कुछ यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे, और बाकी चीज़ें मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से रणनीति को हम लेके चलेंगे। सारी चीज़ें आप लोगों को समझानी है। एक बार बस स्लाइड दिखाई दे रहा हूँ को, और फिर उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये देख सकते हैं, अभी टॉयलेट्स AC वगैरह की फैसिलिटीज आ चुकी हैं आपकी, जिसके लिए आप ड्रीम देख रहे हैं। और एक ये व्हाइट हाउस जो दिख रहा है आपको, ये व्हाइट हाउस नहीं है, ये आप लोगों का रनिंग रूम है, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिख रहा होगा आपको। बाकी अभी मैं बात करता हूँ इन डिटेल, पहले आपको एग्ज़ाम की रणनीति समझाते हैं कि हम किस तरीके से आप लोगों के सामने चीज़ें लेके चलने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे बाकी चीज़ों की। तो गाइस, सबसे पहले है कि एग्ज़ाम की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से हम चीज़ें लेके चलेंगे। तो गाइस देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे आप लोगों के पहले टारगेट चलते थे वो सिर्फ टारगेट होते थे, इस बार हमने उस चीज़ को और इम्प्रूव कर लिया है। मतलब पहले सिर्फ आप टारगेट करते थे, अभी आपको क्या करना होगा, चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, ठीक है गाइस। ये आ जाते हैं यहाँ, ठीक है, सॉरी, यहाँ आ जाते हैं गाइस। ये आप लोगों की स्ट्रेटजी है जो हम पहले भी फॉलो करते थे, 4:2:1 की स्ट्रेटजी। इसमें कहा यह जाता है कि 4 दिन हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं तब तक आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। मतलब आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो कुछ टीचर्स अपने बच्चों को लगातार पढ़ाते रहते हैं, उन्हें रिवीजन की ओर नहीं लेके जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों के सिलेक्शंस नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, कुछ टीचर स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं सिर्फ अपना कंटेंट, उसकी वजह से भी बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहीं भी बाउंड करके नहीं रखूंगा, और ना मैं अपने बच्चे को कभी भी बाउंड करके रखूंगा। मैं हमेशा आप लोगों से यही कहूंगा कि जहां से जो चीज आपको बेस्ट लगती है आप वहां से कवर करिए, बशर्ते कि हम भी उस चीज को कराएंगे। लेकिन अगर देखे, ऐसा तो है नहीं कि मैं हर चीज में सुपीरियर हूं, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे बेस्ट कंटेंट वाले टीचर्स अवेलेबल हैं, तो आपके पास खुली छूट होगी। इवन मैं खुद सजेस्ट करूंगा YouTube का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए। और हम लोग जो टारगेट्स लेके चलने वाले हैं वो किस तरीके से लेके चलेंगे, देखिए मंडे की इवनिंग में मैं आप लोगों को चीजें दे दूंगा। मंडे की इवनिंग में हम लोग आपको दे देंगे टारगेट्स। तो ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक, मंडे इवनिंग का मतलब है कि ट्यूसडे से लेके जो फ्राइडे तक का समय है वो आप लोगों का होगा टारगेट क्लासेस का समय। ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में कि मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को टारगेट दिया, सेकंड डे टारगेट दिया, जैसे कि पहला टारगेट जो है मंडे की इवनिंग में जाएगा, जो ट्यूसडे का टारगेट होगा वो आप लोगों को करना है। जैसे ही आप टारगेट कंप्लीट करेंगे, फिर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज जो BIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आप लोग देखेंगे, तो आपको ये एप्लीकेशन है अपनी प्ले स्टोर पे, BIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे, इस टाइम तो इसके 50,000 से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो रखे हैं। ये देख सकते हैं आप गाइज, ये दिख रहा होगा आपको 50,000 से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो रखे हैं एप्लीकेशन के। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है गाइज। इसके बाद ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी ये 50 का आंकड़ा, क्योंकि जो प्ले स्टोर दिखाता है वो डायरेक्ट या तो 10,000 दिखाता है या 50,000 दिखाता है या 1,00,000 दिखाता है। जैसे ही इसमें मान लीजिए 50,000 से 49,000 कुछ होंगे, तो ये नीचे गिर जाएगा और दिखाएगा आप लोगों को कि 10,000 सब्सक्राइबर हैं। गाइज आप लोग रिव्यू भी पढ़ सकते हैं किस तरह से हमने चीज़ें कराई थी, टेस्ट सीरीज करवाई थी। इस बार हमारा जो प्लान है
वो आप लोगों के लिए ये है कि जैसे ही आप लोगों का टारगेट डे वन कंप्लीट होगा, जैसे ही आप ट्यूसडे का टारगेट कंप्लीट करेंगे, तो देखिए आपके पास मंडे की इवनिंग रहेगी, पूरी रात रहेगी, ट्यूसडे का पूरा दिन रहेगा। फिर आपको ट्यूसडे की इवनिंग में रात को 9 बजे एक टेस्ट मिलेगा, जिसका रिजल्ट, टेस्ट क्या होगा, जो भी कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा ट्यूसडे के दिन, वो सारा का सारा कंटेंट कवर अप होगा आपके टेस्ट सीरीज के अंदर। आप अपने आप को चेक करेंगे और आपका एक ही ध्येय होना चाहिए कि अगर आपके मार्क्स, जैसे मान लीजिए 50 नंबर का वो टेस्ट है, तो अगर आपके मार्क्स 40 भी आ रहे हैं, तो आपका एम होना चाहिए कि मुझे 50 में से 50 लाने हैं। आप उस टेस्ट को बार बार दीजिए, अनलिमिटेड एक्सेस है आपके पास, आप कितनी भी बार उस टेस्ट को दे सकते हैं। तो गाइज, आप जब उन टेस्टों को बार बार देंगे, क्योंकि जो मैं आप लोगों को टारगेट्स दूंगा वो आपके सिलेबस का होगा, जब एक एक चीज आपकी सिलेबस की होगी और दूसरी चीज वो टेस्ट भी आपका सिलेबस का होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, टेस्ट जो बनाए गए हैं वो टेस्ट सब्जेक्ट वाइज भी बनाएंगे हम। आप लोगों को टारगेट का टेस्ट तो हम देंगे ही देंगे, आप लोगों को चैप्टर वाइज भी हम टेस्ट देंगे, उसके अलावा फुल टेस्ट भी देंगे। तो फुल टेस्ट या चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारी चीजें हम लगवाएंगे आपसे सैटरडे संडे वाले टाइम में, जब रिविजन आपका हो जाएगा। लेकिन जो अभी की बात चल रही है वो हम देखिए, अब जैसा होगा क्या, 3 दिन हम जब हम टारगेट्स कंप्लीट करेंगे, तो उस 3 दिन में मान लीजिए हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सिस्टम, ये तो इनके हम चैप्टर वाइज टेस्ट भी बनवा देंगे। लेकिन तब तक आप लोगों को करना ये रहेगा कि जो टारगेट के टेस्ट हैं, टारगेट टेस्ट को कोई भी इस मकसद से ना ले कि भैया ऐसे क्वेश्चंस तो एएलपी में आएंगे नहीं, वो जो चीज दी जा रही है आपको, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दी जा रही है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लो और इस तरीके का कॉन्सेप्ट बना लो कि आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, एएलपी का एग्जाम हो, सीनियर सक्सेसफुल इंजीनियर का एग्जाम हो, एई का एग्जाम हो, अगर नॉन टेक्निकल में उससे रिलेटेड चीज आएंगी तो वो आपकी रहनी नहीं चाहिए। कुछ लोगों को डे वन और डे टू के टारगेट बोरिंग लग सकते हैं, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो जीरो से स्टार्ट हो रही हैं, उसके अंदर मैंने 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी डाले हैं। क्यों? जिससे कि आप लोग उन चीजों को अच्छे से लर्न कर लो और बाद में आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो अभी मैं टारगेट्स के बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। तो जो डे वन का टारगेट होगा उससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन का टेस्ट, 50 क्वेश्चन का टेस्ट, 30 क्वेश्चन का टेस्ट, जितना हमें लगेगा आपको टारगेट डे का वो टेस्ट मिलेगा। वो टेस्ट कंपल्सरी है आप लोगों को लगाना, उसका सॉल्यूशन देखना, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जाएगा। और इन टेस्टों को अगर आप लगाओगे तो निश्चित तौर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो ये हमारी जो स्ट्रेटेजी चलने वाली है, वो जैसे हमने आपको ट्यूसडे का टारगेट दे दिया, वेंसडे का टारगेट दे दिया, आप कहोगे कि भैया ज़्यादा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम ज़्यादा नहीं देने वाले हैं, बहुत धीरे धीरे चलने वाले हैं। इस प्रोग्राम को वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं जो ग्रुप डी में, जैसे अभी बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, आपको सिर्फ 3 घंटे देने हैं, आप 2 से 3 घंटे देंगे, आप बहुत ही आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। अगर आप चीज़ों को सही से फॉलो नहीं करेंगे, फिर आप बीच में कूदेंगे, तो फिर वही बरसाती मेंढक वाला हाल होता है, जो बरसाती मेंढक एग्जाम के टाइम पर कूदते हैं, उससे कुछ फायदा होता नहीं है। इसलिए मैं, और जब उस टाइम पर आप लोगों के लिए क्रैश चलेगा, मतलब कि जब हम बूस्टर लेके आ जाएंगे, जब एग्जाम आने वाला होगा, तब आप इन चीजों को रिवाइज करोगे और आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। जब आप इस कंटेंट को फॉलो करेंगे, देखिए कंटेंट नहीं फॉलो करोगे, चीजें नहीं करोगे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हम क्यों गारंटी दे रहे हैं? क्योंकि चीजें फंसती हैं वहां से, वो चीजें एज इट इज आप लोगों को मिलेंगी। अब आप नहीं करके आओगे तो वो आपकी जिम्मेदारी है। तो गाइज, ये आप लोगों का रहेगा, ट्यूजडे को दे देंगे टारगेट, वेंसडे को दे देंगे। आप कहोगे एक दिन का रिविजन का टाइम दे दीजिए, कोई बात नहीं, आपको एक दिन का रिविजन का टाइम मिलेगा और स्टार्टिंग में हम देंगे भी, जिससे बच्चे को लोड ना लगे। धीरे धीरे आपकी जब रिदम सेट हो जाएगी, तब हम और तेजी से लेके चलेंगे। फिर आप लोगों को फ्राइडे का टेस्ट जाएगा, फिर आप सैटरडे और संडे मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा। सैटरडे के दिन इन तीनों चीजों का, जो आपने 3 दिन पढ़ा है या 4 दिन पढ़ा है, इस चीज का हम रिवीजन करेंगे। संडे के दिन हम उन चीजों का रिवीजन करेंगे जो हमने नहीं भी पढ़ी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे रिवीजन करना है। और फिर संडे की इवनिंग में आप टेस्ट देंगे बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, मंडे की मॉर्निंग में आप टेस्ट देंगे टेस्ट बुक एप्लीकेशन पे। हम अपने बच्चे को एक जगह बांध के नहीं रखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज में हम सर्वोपरि होंगे, लेकिन आप कंपेयर करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं।
जब आप इस तरीके से निकल के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई चीजें रह जाएंगी। और आप ग्रुप डी वाले बच्चों से पूछ के देख लेना, जो कंटेंट उन लोगों को कराया गया है शायद ही हमसे ज्यादा किसी ने कंटेंट फंसाया होगा। बाकी सब लोग बकवास कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, और उसके बाद वही सब लोग जो पहले कह रहे थे कि ये करो, बाद में वो उन चीजों को फॉलो कर रहे थे जो आपको एक साल पहले ही बता दी गई थी। इसलिए अगर आपके पास सही गाइडेंस होगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई दिक्कत आने वाली है। तो गाइज इस तरीके से आप लोगों की चीजें चलने वाली हैं और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। और ये हो गया आप लोगों का, दो दिन आप रिविजन करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट देंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम से वही साइकिल आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर मंडे की इवनिंग आ जाएगी और उसमें आप लोग एनालिसिस भी करेंगे अपनी चीजों का, क्योंकि मंडे का दिन जो है वो एनालिसिस का स्पेशल दिन होता है हमारे लिए। और मैं नहीं चाहता कि मैं 7 दिन आप लोगों को पढ़वाऊं। 7 दिन अगर मैं ही पढ़वाऊंगा तो आप कब रिवाइज करेंगे, कब चीजों को एनालाइज करेंगे, कब आप टेस्ट देंगे? और ऐसे टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है जिस टेस्ट को आप एनालाइज ही ना करवाओ। तो ये आप लोगों की रणनीति रहने वाली है। इसके अलावा टेस्ट क्यों कंपलसरी है, देखिए टेस्ट के बहाने आप जो करेंगे, जैसे आप VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाएंगे, जब आप टेस्ट देखेंगे कि भैया मुझे टेस्ट लगाना है, तो आज जो आपने पूरी चीजें, एक तो आप पूरे दिन मन लगा के पढ़ेंगे कि मुझे टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, फिर मान लीजिए आपके 5 क्वेश्चन रह गए, आपके मार्क्स नहीं आए, तो उन 5 क्वेश्चन में क्या गलती रह गई, फिर आप कॉन्सेप्ट को खंगालेंगे अपने पीछे वाले की, यार मुझसे क्या गलती हुई है। तो इस तरीके से आप लोगों के धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाएंगे। इससे फायदा यह होगा कि जब आप ग्रुप डी में जॉब कर भी रहे होंगे तो उस टाइम पे आपके पास कम टाइम होगा, तो ये जो आपने अभी फाउंडेशन बनाई होगी इसके दम पे आप 1 से 2 घंटा भी निकाल के पढ़ेंगे तब भी आप सिलेक्शन ले लेंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पे और लोगों के रेटिंग्स भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना डाउनलोड है उसका, ठीक है 50,000 समथिंग उसके डाउनलोड हो चुके हैं, यहाँ से देख लीजिए, देखिए गाइज ये देख सकते हैं आप, यहाँ 50,000 उसके डाउनलोड्स हैं और रेटिंग भी इसकी 4.5 के आसपास रेटिंग है। और अगर आप लोगों के रिव्यूज़ पढ़ना चाहते हैं कि लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, तब भी आप पढ़ सकते हैं बड़ी ही आसानी से कि लोगों को क्या लगता था, कैसा था। देख सकते हैं आप कि दिस एप्लीकेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर रेलवेज एग्जामिनेशन। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये मैं छांट के लाया हूँ, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, एक बार पढ़ के देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं। और जिन लोगों ने निगेटिव रिव्यूज़ लिखे हैं, एक दो लड़कों ने या जो भी, उन्होंने सिर्फ इसलिए लिखे हैं कि हमारी उस टाइम पर एप्लीकेशन सही से काम नहीं कर रही थी, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से एप्लीकेशन काम कर रही है। या कुछ लोगों को लग रहा था कि भैया हमने पेड कर दिया, जबकि 250 रुपये में जो कंटेंट उस टाइम पर हमने दिया था शायद ही किसी ने वो कंटेंट दिया हो। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, और फ्री की चीज़ों की लोग वैल्यू नहीं करते हैं, इसलिए भी वो 250 रुपये की फी आपके लिए रखी गई थी, लेकिन जिन लोगों ने वो काम किया है उन लोगों को पता है कि वो कितनी ज़्यादा वर्थ इट थी। तो गाइज ये आप लोग रिव्यूज़ देख सकते हैं लोगों के बहुत ज़्यादा। ये बंदे ने लिखा है सिद्धार्थ जी हैं, फुल्ली सेटिस्फाइड विद द कंटेंट बट वन इश्यू, नो वन रिप्लाई इन टेलीग्राम। अच्छा ये लिख रहे हैं कि कंटेंट से वो सेटिस्फाइड हैं लेकिन टेलीग्राम पर अप्लाई नहीं करते हैं। गाइज देखिए आप समझ सकते हैं कि एक बंदा इतनी सारी चीजें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आप पढ़ें यहाँ पे बेस्ट एप फॉर स्टूडेंट्स, देर आर एवरीथिंग फॉर एवरी टाइप स्टूडेंट, मोटिवेशनल स्ट्रेटजी, सिलेबस मटेरियल, एवरीथिंग आर देयर, गाइडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस ऐप, दोज नॉट गिव इन एनी ऐप। किसी भी एप्लीकेशन में इस तरीके से आप लोगों को गाइड नहीं किया जाएगा जैसे हम गाइड करेंगे आप लोगों के लिए, गुरुजी इज बेस्ट। अब आप आगे देख सकते हैं, वेरी यूजफुल एप्लीकेशन, दिस इज द ओनली वन ऐप इन YouTube चैनल दैट प्रोवाइड टू मच सपोर्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग ऑनेस्टली, थैंक यू सो मच भैया। आप कहीं से भी जाके पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये है, आप कहीं से भी जाके पढ़िए, आपको बुराई नहीं दिखेगी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हम लोगों ने कराई हैं और आगे हम दिलो जान से आप लोगों के साथ लगने के लिए तैयार हैं। और आप जो अभी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने वाले हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी, चलिए मैं बता देता हूँ सच्चाई, लगभग आप 30,000 से 35,000 ये आपकी जो सैलरी रहने वाली है, जैसे ही आप ग्रुप डी में जाएंगे तो आपकी जो सैलरी होगी उस टाइम पर वो होगी 30K आसपास, 30K, ठीक है। लेकिन अगर आप ALP बनते हैं तो ये सीधी की सीधी दुगनी की कैटेगरी में आ जाएगी, लगभग 50,000 से 60,000 की कैटेगरी में। तो आप दुगनी कैटेगरी में जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने मेहनत करके। तो गाइज मेरा मानना तो ये रहेगा कि भाई हमें अपने को बेहतर करने के लिए अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डाल दोगे ना, जब आप ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर की जॉब कर रहे होगे ना, तब आपको समझ आएगा कि इससे अच्छा तो मैं 2 महीने थोड़ा सा पढ़ लेता तो बड़े ही आसानी से सिलेक्शन ले लेता। तो गाइज आप देख सकते हैं, और अपनी फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ओ सॉरी ये मैं अंडू करता हूं,
रेडू करता हूँ, अब तो ये होगा भी नहीं शायद, ये चला गया है। ठीक है गाइज, वो क्लियर कर दिया मैंने गलती से, लेकिन कोई नहीं, अगर मैं उस चीज़ को भी खोलूंगा तो वो मिल जाएगी। गाइज अगर आप देखेंगे तो बड़ी ही आसानी से आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों का रनिंग रूम है, व्हाइट हाउस से कम नहीं लग रहा होगा। देखो कितना ज़्यादा बेहतर है, आप जब ड्यूटी करके जाते हैं तो यहाँ पर जाके आप लोग रुकते हैं। इसके अलावा वो वाला जो पेज है अभी पीछे वाला, वो मुझसे गायब हो गया गलती से, नहीं तो उसमें मैंने एसी उसी की पिक्स लगा रखी थी, जिससे आपको पता चलता कि भैया किस तरीके से लोगों में अभी एसी आ गई हैं क्या है। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मालगाड़ी में आप स्टार्टिंग में वर्किंग करते हैं तो उसके जो लोकोमोटिव हैं वो आप लोगों के पैसेंजर से भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। और जब तक आप आएंगे बड़ी ही आसानी से, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो 60,000 से कम सैलरी उठाएगा, बड़ी ही आसानी से आप 60 के आसपास सैलरी उठाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट मौका है। मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि भैया आप तैयारी में लगिए, टारगेट क्लासेज आप लोगों की स्टार्ट हो रही हैं बहुत अच्छे से। अगर कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो वो 599 में इस टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग 7 to 9 months तक इसका एक्सेस होगा, जिसके अंदर हम आप लोगों को पूरी की पूरी गाइडेंस देंगे सारी चीज़ों के बारे में, कि आपको कौन सी चीज़ कैसे कहां से क्या कवर करनी है। जितने बेस्ट लेक्चर्स मुझसे पॉसिबल होगा वो मैं खुद कराऊँगा। और एक बात आप याद रखिए, देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, सिलेक्शन ना होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि आप मेरी फैकल्टी से ही पढ़ो, इससे ही पढ़ो, जबकि उन्हें पता होता है कि मार्केट में इससे बेस्ट बहुत कुछ अवेलेबल है। अब देखिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, एक चैनल है, मान लीजिए कोई भी चैनल है, उस चैनल ने सिर्फ और सिर्फ जीके को डेडिकेटेड है, वो अपनी जीके की नोबेल प्राइज की वीडियो बनाने के लिए 3 to 5 days का समय लगाता है, जिससे उसने ट्रिक बनाई है कोई। अब उसने किसी बंदे ने 5 days का समय लगा के ट्रिक बनाई है और उसकी ट्रिक इतनी अच्छी है जिससे बच्चों को वो चीज़ याद हो जा रही है, तो आप ये बताइए, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों को वो बेस्ट चीज़ छोड़ के मैं खुद से उस चीज़ को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब उस चीज़ पे 5 days नहीं लगा सकता और मैं उससे बेस्ट कंटेंट नहीं बना सकता, तो मेरा कर्तव्य तो यह है कि बच्चे का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं अगर सही बंदा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो, तो मैं उस चीज़ को गाइड करना चाहिए कि भाई आप वहाँ से कर लीजिए, वो बहुत अच्छा करा रहे हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए कि मैं कभी भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि ये वाली चीज मुझसे अच्छी किसी ने कराई हुई है, मैं देन उसको आपको बिल्कुल वीडियो का लिंक दूंगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इस चीज की मेरी गारंटी है। जो भी आप लोगों के टारगेट्स में होगा वो आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा कि भैया ये चीज यहां से कवर करनी है, और शाम को उसका आपको टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट का सॉल्यूशन पॉसिबल हुआ तो मैं भी आप लोगों को कराऊंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस को आप लोगों को करना था। तो गाइज अब रेडी रहिए, आप लोगों के जो टारगेट क्लासेस हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो गाइज बहुत ही ज्यादा अच्छे से आजकल चीजें चल रही हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने अगर इंटरेस्ट दिखाया तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दिलो जान से हम आपके साथ हैं। ये देख सकते हैं आजकल तो आप ये देखिए, ये लोगों के अंदर का ही है, मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये देखिए आप आजकल आप चाय वाय भी उसी में गर्म करके पी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले प्रॉब्लम होती थी। इसके अलावा देखिए टॉयलेट्स, अब टॉयलेट फैसिलिटी भी उसके अंदर आ चुकी है, आप देख रहे हैं यहाँ, अब टॉयलेट की भी दिक्कत नहीं है। तो गाइज ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सीट भी आप फोल्डेबल आ गई हैं, सीट भी आप फोल्ड कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले था कि सीट क्या है रहती थी ऐसी कि उस पर आदमी पीछे की साइड नहीं झुक सकता था, अभी आप पीछे की साइड भी घूम सकते हैं। तो इस तरीके से बाकी चीज़ें लगातार बेहतर होती जा रही हैं, आप बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। तो गाइज चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कराने का हमारी प्लानिंग है। और हम लोग देखिए, ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ, ये फैन है, ठीक है, और ये देखिए एसी है, ये एसी लगा हुआ है जो आजकल आपके लोकोमोटिव्स में भी आने लग गए हैं बहुत अच्छे से। तो गाइज चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मोटिवेशन के लिए हम दिन रात आपके साथ रहेंगे। आप लोगों को टारगेट क्लासेस के लिए इंतजार करना है, और कल से आप लोगों की टारगेट क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप टारगेट को शिद्दत के साथ कंप्लीट कीजिएगा, मैं इस चीज़ को गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने टारगेट अच्छे से फॉलो किए तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके टारगेट क्लासेस के नोट्स से ही देखने को मिलेंगे। नोट्स जरूर बनाते रहना जो चीज़ें करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।